तो फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रीट स्टाइल पानी पूरी बनकर हो चुकी है रेडी। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल पानी पूरी। तो यहाँ हमने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप सूजी। इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा, हमने 1 कप लिया है, हम और 1 कप मैदा लेंगे। तो हमने इसमें 2 कप मैदा डाल दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून तेल, यहाँ हमने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। अब इसमें ऐड करेंगे गरम वाटर, यहाँ हमने पानी को गरम कर लिया था। अब इसका हम डो तैयार करेंगे। तो इसे हम 5 मिनट तक अच्छी तरीके से गूंथेंगे ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, डो बनकर हो चुका है रेडी। तो इसे हम 20 मिनट तक के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे ढककर। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं डो कितना सॉफ्ट हो गया। इसे हम दोबारा गूंथेंगे हल्के हाथ से। तब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना के इसके पेड़े बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने बहुत ही छोटी सी लोई लेके इसका पेड़ा बना लिया है। अब इसे हम बेलेंगे हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेस ना करें, इसे हल्के हाथों से ही बेलें। तो आप देख सकते हैं पूड़ी बन चुकी है। अब हम बाकी जो हमारा डो था उसके सारी इसी तरीके से पूड़ी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है, हमने जो पूड़ी बनाई थी उसे हम इस तेल में फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फ्राई हो गए, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी लग रहे हैं ये देखने में। अब हम बनाएंगे पानी पूरी का मसाला। यहाँ हमने ले लिया है बॉइल आलू, इसमें हम ऐड करेंगे प्याज एंड मिर्ची जिसे हमने चॉप कर लिया था। इसमें ऐड करेंगे नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखें आप। इसमें ऐड करेंगे भुना जीरा मसाला। अब इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मसाला रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रीट स्टाइल पानी पूरी बनकर हो चुकी है रेडी। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आप देख सकते हैं पूड़ी कितनी क्रिस्पी बनी है। इसमें मसाला भरेंगे, अब इसमें ऐड करेंगे मीठी चटनी, ये हमने इमली की बनाई है। और ये तीखा वाला पानी है। तो फ्रेंड्स, ये बनकर हो चुकी है रेडी। तो आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी दिख रही है। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा।